मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों को लेकर राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखी है और अपनी चिट्ठी में गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को कई निर्देश दिए हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक राज्य सरकारों को पैदल जा रहे प्रवासी मजदूरों को तुरंत रोकने की व्यवस्था करनी चाहिए और उनके रहने खाने का इंतजाम भी करना चाहिए। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वो मजदूरों को घर जाने के लिए ट्रेनों और बसों का इंतजाम भी करें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस दावे के बावजूद कि राज्य से किसी भी मजदूर को पैदल गांव लौटने नहीं दिया जाएगा, हालात में कोई फर्क नहीं दिखा। मजदूरों का आरोप है कि प्रशासन ने उन्हें गांव भेजने के कोई इंतजाम नहीं किए। बीते कुछ दिनों की मजदूरों का पैदल गांव लौटना जारी है और राजधानी जयपुर से ही बड़ी तादाद में मजदूर पैदल अपने गांव लौटते दिखे। मजदूरों का आज भी पैदल चलना जारी है, जयपुर के जवाहर सर्किल पर है। तस्वीरें आप देखिए कि मजदूरों के जत्थे पैदल आ रहे हैं। हालांकि मजदूरों के पैदल लौटने पर मुख्यमंत्री ने कलेक्टर और एसडीएम को जिम्मेदार ठहराने का ऐलान किया था, लेकिन बताया गया कि उन्हें पैदल जाने से रोकने की कोशिश किसी ने नहीं की। ठेकेदार लोग तो चले गए, भाई नहीं खाने पीने को, तो क्या करेंगे? 2-400 बचा वही भाड़ा किराया लगा के निकल जाएंगे। चूंकि हर किसी को सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करनी है, इसलिए जहां पेड़ों की छांव दिखती, लोग उधर से ही रास्ता बनाकर चलते दिखे। इन जत्थों में महिलाएं भी नजर आईं। चूंकि बीते दिनों सड़क हादसों में मजदूरों की मौत की खबरें आईं, इसलिए घर लौटने वाले तेज रफ्तार गाड़ियों से बचने के लिए सड़कों के किनारे और फुटपाथ पर चलते दिखे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पीएम मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताते हुए भारत को वेंटिलेटर देने का ऐलान किया। यही नहीं, ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका और भारत मिलकर कोरोना की वैक्सीन बनाने पर काम कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका मिलकर कोरोना को हरा देंगे। India has been so great, and as you know, your prime minister has been a very good friend of mine. I just got back a short while ago from India recently, and we're working very much with India too. And we have a tremendous Indian population in the United States, and many of the people that you're talking about are working on the vaccine too. Great scientists and researchers. Yeah, we're working very closely also with India. पटना के क्वारंटीन सेंटर में बदइंतजामी का आरोप लगाकर वहां रह रहे लोगों ने जमकर हंगामा कर दिया। दूसरे राज्यों से बिहार पहुंचे लोगों को 14 दिन के लिए वहां क्वारंटीन किया गया, लेकिन क्वारंटीन सेंटर में ठहराए गए लोगों ने बदइंतजामी का आरोप लगाया और क्वारंटीन सेंटर की खिड़कियों को पत्थरों से निशाना बनाते हुए जमकर तोड़फोड़ की। कई लोग तो छतों पर चढ़ गए और गेट के बाहर तैनात पुलिस वालों से कोरोना की जांच करवाने की मांग कर दी। इतना ही नहीं, कुछ लोग एक जगह इकट्ठा हो गए और उन्होंने खाने पीने की समस्या का आरोप लगाते हुए क्वारंटीन सेंटर से जाने देने की अपील की। उधर उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के 12 घंटे काम करने वाला आदेश वापस ले लिया। यूपी सरकार के इस आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट पे एक याचिका डाली गई थी, जिस पर कोर्ट ने नोटिस भेजा था। कोर्ट के नोटिस के बाद यूपी सरकार ने यह आदेश वापस ले लिया, यानी यूपी में अब श्रमिकों को पहले की ही तरह 8 घंटे काम करना होगा। यूपी सरकार ने 8 मई को राज्य के श्रम विभाग की ओर से जारी आदेश में श्रमिकों के काम करने के समय को बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया था।